सलाम सर, कैसे हैं आप लोग? सर, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं टीचर रजिस्ट्रेशन। एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आप जुड़ चुके हैं और आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है, जो चीज़ आपको हेडेक लग रहा है, बहुत सारे टीचर जो है रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि उनके ऊपर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है कि हमारा पैसा, अगर हम गए वहाँ पे डेमो दिए, डेमो में रिजेक्ट हो जाएंगे तो पैसा मेरा रिफंड होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हम भी बोलते हैं हम भी नहीं करेंगे, और फिर हमको ट्यूशन दूसरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैसा मेरा डूब जाएगा। एक तो तंगी और ऊपर से ये भी तंगी है, पहला ये भी कारण है। दूसरा कारण होता है क्या है कि ब्यूरो वाले पर भरोसा नहीं करते। अगर उनको पैसा हम दे भी दिए ट्यूशन के लिए तो हमें ट्यूशन देंगे कि नहीं देंगे, ये बातें पूरे इंडिया लेवल पर हैं। ये क्योंकि मेरी सारी टीचर से बातचीत होती है तो मुझे लोग बताते हैं कि सर देखिए, पैसा ले भी लिए ट्यूशन भी नहीं दिए, तो इस तरह की बातें हैं। तो इसका एक सोल्यूशन है सर, इस पर आज हम लोग देखें काफ़ी समस्या है। तो उस पर हमारे एक टीचर मित्र कॉल किए, बोले सर आप इस पर भी एक वीडियो बनाइए। हम बोले ठीक है चलिए बनाते हैं। तो उस पर काफ़ी दिनों, 2-3 दिनों से गहन चिंतन चल रहा था, क्या क्या बताया जाए। तो बताया देखिए इसमें करना क्या है सर, कि अगर आप पटना बिहार से हैं और आप हमारे साथ जब जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना, और जो चीज़ें मेरे लिए हैं, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है, इस बातों को हर कोई मानेंगे क्योंकि वही सच्चाई है। आपको ट्यूशन पढ़ाना है, एक चीज़ हमें भी बहुत गलत लगता है कि आप बेरोज़गार हैं अभी, आपको ट्यूशन की ज़रूरत पड़ गई और आपको पैसा भी आप ही को देना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर जाना है पढ़ाने के लिए, अपना पैसा खर्च करके, मतलब पेट्रोल में या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, अपने घर से खाना पीना खा करके एनर्जी, अपना एनर्जी भी लगाना है, सब कुछ आप ही को करना है। तो ये कहीं ना कहीं से गलत भी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये सही भी है। अब सही और गलत क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। देखिए एक एग्जांपल के तौर पे, बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी 2014 से पहले तो उसको महंगाई नज़र आ रही थी, उसको बेरोज़गारी नज़र आ रही थी, लेकिन जब वो सत्ता में आ गई तो उसको महंगाई और बेरोज़गारी नज़र नहीं आ रही है, अब कांग्रेस को नज़र आ रही है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसको नज़र नहीं आ रही थी, और जब बीजेपी सत्ता में तो बीजेपी को नज़र नहीं आ रही है। लेकिन उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण हम और आप ही है। अगर मेन कारण उसका है जनसंख्या, सरकार कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। सरकार ने, देखिए सरकार जो बनी है, जो मीन्स की पार्टी में जो लीडर बने, वो भी एक अपना बिजनेस है, उनको भी एक लग्जरियस लाइफ चाहिए, इसलिए वो इस मतलब इसी प्रोफेशन को चुने। और ऐसे भी होती है क्या है कि हर व्यक्ति के लिए अपना अपना एक प्रोफेशन बना हुआ है, हर व्यक्ति हर प्रोफेशन में नहीं जा सकता है। जैसे हमारा है, अब देखिए आप कहेंगे कि सर आप कुछ करते नहीं हैं और आप क्या कहते हैं मीन्स कि सिर्फ भेजते देते हैं और पैसा ले लेते हैं, आप टीचर को लगेगा कि अरे हम जा रहे हैं पढ़ा रहे हैं काम कर रहे हैं। तो भैया देखिए अपने अपने जगह पर सबको लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप हर काम को हर कोई नहीं कर सकता है। आप मेरे काम को आप नहीं कर सकते हैं। अब जो जिसका काम है, जिस काम में जो लोग चले गए हैं, उस काम को, उसमें कितनी टेंशन है, कितनी परेशानी है, वो उस चीज़ को जानता है। जैसे देखिए आपको मैं बता रहा हूँ अपनी बात, मैंने शुरू में जब अपना करियर स्टार्ट किया तो जस्ट होम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। जब मैंने घर घर जाके होम ट्यूशन पढ़ाना हम खुद से स्टार्ट किया, 2008 की बात है ये। जब हमने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया तो हमें लगा कि अरे ट्यूशन में पढ़ाने बड़ी दिक्कत होता है ब्यूरो से लेना, तो हमने क्या किया, ब्यूरो खोल दिया। हमने सोचा कि नहीं अब ब्यूरो खोलते हैं, मेरे पास कुछ पैसे लोग जमा हो गए तो मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया, ब्यूरो मैंने खोला। ब्यूरो खोला तो मुझे क्या हुआ कि ब्यूरो से भी कुछ पैसा आने लगा, फिर उसमें भी हमको बहुत टेंशन नज़र में आया, बहुत टेंशन, ठीक है। टीचर जहाँ का है यहाँ का ट्यूशन नहीं है, ट्यूशन जहाँ का है वहाँ का टीचर नहीं है, ठीक है। कोई टीचर गए तो वहाँ पे सेटल नहीं हुए, पेरेंट्स का कुछ अलग नखरा है, कुछ टीचर का नखरा है, कुछ टीचर रेगुलर जा नहीं रहे, मतलब बहुत तरह की प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम बनाएंगे बेटा, भैया इतना बड़ा लिस्ट है मेरा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अरे इसमें बड़ी टेंशन है, लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी आ रहा है, जीवन कैसे चलेगा। तो हमने क्या किया, अपना कोचिंग खोल दिया, बोले कि अब कोचिंग चलाएंगे। कोचिंग में भी देखे कि साला प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई, जैसे कि ट्यूशन में भी प्रॉब्लम था कि लोग एग्जाम के टाइम में बुलाते थे, छोड़ देते थे, पकड़ लेते थे, उस तरह से कोचिंग में भी प्रॉब्लम है भाई, पैसा नहीं दिया, बहुत तरह का प्रॉब्लम। तब हम बोले कि ना अब स्कूल खोल देते हैं, स्कूल खोलेंगे। तो फिर मैंने 2-4 साल पैसा जमा किया, फिर मैंने स्कूल खोला। जब मैंने स्कूल खोला तो जब मैंने 1-2 साल स्कूल चला लिया तो स्कूल में भी बहुत बड़ी समस्या आ गई, ठीक है ना। तो 1-2 साल तो बहुत मज़ा आया, उस समय मैंने ट्यूशन ब्यूरो को भी बंद कर दिया, भले नहीं चलाए अब स्कूल चलाएंगे, ठीक है। अपने आप में एक भाई, और जवानी में तो सबका खून गर्म रहता है भाई, ऐसे भी अभी हम जवानी हैं, बूढ़ा नहीं हुए हैं। तो मैंने खोल दिया, जब मैंने खोला स्कूल तो स्कूल से प्रॉब्लम आने लगी। अब मैंने देखा कि अरे अब पैसे की ज़रूरत नहीं होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई साइड से क्या कर। तो मैंने सोचा कि मैं ट्यूशन भी पढ़ाऊँगा, स्कूल भी चलाऊँगा, कोचिंग भी चलाऊँगा, ट्यूशन ब्यूरो भी चलाऊँगा,
तब जाकर के मुझे समझ में आया कि वो प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम हर चीज़ में है, जो लोग नहीं किए हैं उनको प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी काम में प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है किसी भी काम में, तो आप उस काम को करके देखिए, ठीक है। साल 6 महीना के अंदर में आपको रिजल्ट आ जाएगा उसका, ठीक है। और किसी का ज्ञान आपको उस समय समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ऐसे हमारे टीचर मित्र लोग जो हमारे मित्र सब हैं वो बोलते हैं, अरे स्कूल में तो बहुत फ़ायदा है, किताब में कमीशन, ये में, ठीक है ना सारा। अरे पैसे पैसा है, अप्रैल में तो सर आपके पास तो पैसा बोरा में उंगली, ठीक है। और सबसे कम पैसा अप्रैल में आता है मेरे पास, अब आपको बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परेशानी से भागना नहीं है, परेशानी है, सब चीज़ में परेशानी है, और परेशानी से भागना नहीं है, परेशानी से लड़ना है। फिर अपने आप माइंड सेट हो जाएगा, आदत हो जाएगा, इसके बाद आप अपने आप एडजस्ट कर जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पर हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, टीचर रजिस्ट्रेशन। देखिए ये मेरी कंपनी है, यहाँ पर मेरी बात होगी, मैं दूसरों की बात नहीं करूँगा। देखिए सर, आपको अगर आप हमसे जुड़ चुके हैं और आपके एरिया का, आपके नियरेस्ट पॉइंट का ट्यूशन भी आपको मिल चुका है और आप पेमेंट करना नहीं चाह रहे हैं, चाहे कोई भी रीज़न हो, हम रीज़न पर बात नहीं करेंगे, चाहे आपके पास पैसा नहीं है, चाहे आप पैसा नहीं देना चाह रहे हैं ठगाने के चलते, क्योंकि बहुत लोग हमको भी ठगते हैं, ठीक है। तो इसकी भी ठगने वाली भी कहानी कभी सुनाएंगे आप लोगों को, लेकिन आज हम ठगने की बात नहीं करेंगे, आज टॉप पॉइंट पर बात करेंगे, वीडियो लंबा चल जाएगा। तो नहीं करना, अगर आप करवाना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन, तो उसके लिए आपको हम एक विकल्प देते हैं। देखिए आपके पास मोबाइल है, इस मोबाइल में आपका क्या कहते हैं यूट्यूब भी है, आपको क्या करना है, 4-5 अपना वीडियो बनाना है, 4-5-6-7 अपना इंट्रोडक्शन वीडियो, इसके बाद अपना क्या कहते हैं मीन्स की किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए वीडियो, पढ़ाते हुए वीडियो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ का, इंग्लिश का, मीन्स की जिसमें आपका पूरा कमांड है और आपके पास क्वालिटी है, ठीक है। तो आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्त, आपको वहाँ पर पैसा आपका इशू नहीं बनेगा, मैं आपको वहाँ पर मैनेज कर लूँगा, ठीक है ना, और मैं मैनेज करूँगा। तो आपको ये बनाना है और आपको उसको क्या करना है ना, उसको वीडियो YouTube पे अपना अपलोड कर देना है, भले ही आप अनलिस्टेड करके अपलोड कर दीजिए, आप अगर नहीं दिखाना चाह रहे दूसरे को तो, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे टीचर है, ये भी है कि कैमरा फ्रेंडली होना सबके उसका, आज का मेरा वीडियो और आज से 3-4 साल पहले का वीडियो, दोनों में बहुत का अंतर होगा, फेस बता देता है कि नहीं, आप कैमरा फ्रेंडली होना भी उसमें टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है, अनुभव के आधार पर सब चीज़ होता है। तो मैं आपको बताऊँगा ये बातें कि कोई चीज़ें नहीं है, आप उसको नज़रअंदाज करके अपना एक कॉन्फिडेंशियल वीडियो बना करके दे हमें और उसको भेजिए मेरे पास, ठीक है, कि सर आप उसको देख लीजिएगा। तो मैं उसको देख लूँगा, अगर मुझे अच्छा लगेगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि नहीं इस बंदे को मार्केट में क्या कहते हैं लॉन्च किया जाए, उतारा जाए, इस बंदे को मौका दिया जाए, तो मैं आपको दूंगा। एक ये रास्ता है, अरे सर कौन वीडियो बनाएगा सर झूठ मूठ का, तो सर देखिए आप कुछ मत कीजिए, मेरा नंबर जो है ना, जिस पर आप मतलब कि एक मेरा नंबर है वो मांग लीजिएगा हमसे, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे सब पर है, बारकोड वगैरह सब पर लगा हुआ है, ठीक है। उस नंबर पे आप हमारे पेमेंट कर दीजिए, आपको हम पेरेंट्स का नंबर दे देते हैं, वो ट्यूशन चल गया तो आपका, डूब गया तो आपका, पेमेंट नॉट रिफंडेबल, रिफंड तो कभी नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम लेने देने के लिए नहीं ना बैठे हैं। अब आपके कारण आपका लॉस हुआ, क्योंकि देखिए उससे हमारा भी लॉस होता है, आपको हमने ट्यूशन दिया, आपने उसको मेरा मान लीजिए कि उसको नहीं चला आपसे, तो वहाँ पर होता क्या है कि पेरेंट्स नेक्स्ट टाइम हमें मौका नहीं देंगे, सर आपके यहाँ का टीचर अच्छा नहीं रहता है, जबकि टीचर हम असेंबल नहीं कर रहे हैं भाई, टीचर मार्केट में इंडिपेंडेंट है, लेकिन इस बात को आगे वाला व्यक्ति नहीं समझ रहा है, हमें दूसरा बार मौका नहीं देगा तो हमारा तो नुकसान जाएगा ना मेरे दोस्त। तो ऐसा काम किया जाए ना, आपका नुकसान हो ना मेरा नुकसान हो, तो इस चीज़ को आप कीजिए। दूसरी बात है, अगर आपके पास मान लीजिए कि क्वालिटी आप अपना नहीं दिखाना चाह रहे हैं, आप जान रहे हैं कि आपके पास प्रॉब्लम है, हेजिटेशन है, तो भैया आप इत्मीनान से कभी भी हमसे बात कीजिए, मिलिए, अपने बारे में सच्चाई बताइए, आपको उसी रेंज का हम आपको ट्यूशन अवेलेबल करवाएंगे, जिससे कि हमारा मुख्य उद्देश्य है आपकी समस्या को ख़त्म करना, न कि आपकी समस्या को बढ़ाना। आप कोई भी ट्यूशन आया, सर इसमें हम जाएंगे, सर ये मेरे नज़दीक में है, सर बहुत दिक्कत है, सर इसकी बहुत ज़रूरत है मुझे, सारा इतना लिख करके हमको भेज दिया ना कि हम पढ़ नहीं पाते हैं ठीक से। जब देखे तब हुआ, अरे भाई तुम पेमेंट करो सर, नहीं पैसा है सर, 200 रुपया ले दे, 300। अरे भैया जिस समय बेरोजगारी रहती है ना सर, जिस समय उस समय 100-10 रुपये का भी बहुत वैल्यू होता है, हम इस चीज़ को समझते हैं, और आपका वो भी हाथ से निकल जाएगा ना सर, तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए परेशानी को नहीं बढ़ाना है, आपको करना क्या है कि आपको सही से बात करना है, सही से बताना है और सही डिसीजन लेना है, थोड़ा सा इत्मीनान से लेना है, समस्याएं आज हैं कल चली जाएंगी, ठीक है। और ये लाइन थोड़ा सा है, पेचीदा लाइन है, ट्यूशन पढ़ाना बहुत ही पेचीदा लाइन है, जबकि बहुतों को बहुत ईजी लगता है, लेकिन नहीं, बहुत पेचीदा है। क्यों?
क्योंकि आज के डेट में सभी पेरेंट्स ग्रेजुएट हैं, अपने बच्चों के लिए अपने चाहे जैसे भी हो अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर सोचते हैं। तो आपके लिए ये चैलेंजिंग हो रहा है। बहुत सारे टीचर क्या कहते हैं, मीन्स की फ्लॉप कर रहे हैं मार्केट में, नहीं कर पा रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, टीचर नहीं, जो स्टूडेंट हैं। तो अगर आप करना चाह रहे हैं, अपनी समस्या को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो आप एक काम करें कि सबसे पहले अपने आप को जाने। अगर आप अच्छे हैं, अपने आप को आप मानते हैं कि मेरा अच्छा कॉन्फिडेंट है, हम जाके पढ़ा सकते हैं, 5 तक को हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, इंग्लिश पेपर पढ़ा सकते हैं, ये कर सकते हैं, इंग्लिश का बुक का रीडिंग करा सकते हैं, मैथ पढ़ा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल उसके लिए चिंता ना करें। आप हमें वीडियो बना के दें, अपनी क्वालिटी हमें दिखाएं, हमें पूर्ण विश्वास दिलवाएं, ठीक है ना, हम आपको भेज देंगे, वहां पर हम मैनेज कर देंगे आपका, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वो सब चीज़ें नहीं है और आप जान रहे हैं, तब पर भी आपके पास दिक्कत आ गई है, क्योंकि दिक्कत ये कह के नहीं आएगी कि हम आपके पास नहीं आएंगे, आप आलसी हैं, आपके पास क्वालिटी नहीं है, दिक्कत ये कह के नहीं आती, दिक्कत सबके पास आ जाती है। तो आप उसके लिए इत्मीनान से बात करें।